वेलकम स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट बीएचयू बीएफए रिजल्ट को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे कि मेरा सर रिजल्ट कब आएगा। लीजिए, आप लोग का रिजल्ट आ चुका है और बहुत बहुत बधाई हो जिन स्टूडेंट के जो है बीएचयू के लिए जो है नॉमिनी मतलब मैसेज आ चुका है पेमेंट करने के लिए, तो आप फटाफट पेमेंट कर लीजिए। हम बात करेंगे कि जितने भी स्टूडेंट का जिसका सिलेक्शन हुआ उनके बारे में बात करेंगे, जिनके जिन लोगों का रैंक इतना है उसके बारे में क्या हो सकता है, और जिनका लगता है रैंक काफ़ी ऊपर है, काफ़ी उम्मीदें कम हैं, तो उनके लिए क्या उम्मीदें रखी जा सकती हैं, क्या किया जा सकता है, कैसे अपने आप को जो है हम अपने अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे अपने आप को बेटर बना सकते हैं, ये चीज़ के बारे में जानेंगे। पहला पॉइंट है, जितने भी स्टूडेंट हुआ है तो मैं मोस्टली कहूंगा कि आप लोग का सारा डॉक्यूमेंट हो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसकी फोटो कॉपी, और आपके पास पासपोर्ट साइज का फोटो है वो सारे ले लीजिएगा। हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट आपके पास ना हो तो सबसे बेस्ट काम करना है कि आपको उसका एग्रीमेंट आपको बनवा लेनी है वकील के थ्रू, तो ये बहुत ज़रूरी है, पहले काम करिएगा, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दूसरा पॉइंट है, किस लोगों का, कई लोगों का प्रैक्टिकल में देखो 400 का प्रैक्टिकल हुआ था आप लोग का, तो प्रैक्टिकल में 400 में से 250 से ऊपर जितने भी मैंने दिखाया था उनका रैंकिंग लगभग अच्छा सा है, तो आप मोस्टली आप कह सकता हूँ कि लगभग 150 के रैंकिंग के आसपास है, 150-180 के आसपास रैंक जिनकी आपके बन रहे हैं, तो आपकी चांसेस है कि आप लोगों को आपको मौका मिले, इतना हम कह सकते हैं, लेकिन 100% श्योर नहीं कि वो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट है, और मोस्टली ध्यान देना है कि आपको तो वेट जरूर करना है कम से कम 3 से 4 दिन के अंतराल में, क्योंकि आप ध्यान दीजिए जब भी आप वेट करते हैं कहीं ना कहीं आप लोगों का नाम आ जाता है, क्योंकि कई स्टूडेंट आपके यहीं पर नहीं कर रहे हैं बल्कि और अलग अलग यूनिवर्सिटी में भी जो है उन्होंने अपना एग्जाम दिया है, तो उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग को भी अपने मन चाह रोल लेते हैं। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि यहाँ भी निकल गया, वहाँ भी निकल गया, वहाँ मतलब हर जगह निकल जाता है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम करें तो क्या करें। बस आप ये देखिए कि आपकी सुविधा किस कॉलेज में ज़्यादा बेटर है, किस चीज़ में आपको जो चाहते हैं जिस तरह का एनवायरनमेंट चाहते हैं वैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें 4 साल जो है अपनी स्टडी उसमें अच्छे से करनी है, अपने आप को बेहतर उस स्टडी के थ्रू हमें अपने आगे अपने फोकस को अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो ये ज़रूरी होता है। अब लगता है कि जिनका रैंक बहुत नंबर बहुत ऊपर है और उनकी उम्मीदें कम हैं और प्रैक्टिकल भी स्कोर न्यूनतम गया है, तो उनके लिए क्या हो सकता है। देखो स्टूडेंट, यदि नॉर्मली मैं आप लोगों से कह सकता हूं कि आपको यदि हार्डली आपको यदि बीएचयू के अंदर ही जो है आपको जो है प्रवेश करना है, आपका यही एम है, तो आपको पुनः जो है अपने से पुनः जो है अपने आपको ये चीज़ पता हो गया किस चीज़ में आपकी कमी है, और इस बार भी हम थोड़ा सा जज कर सकते हैं कि जो प्रैक्टिकल मार्क्स जो है काफ़ी हद तक कम आए हुए हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे बनाए थे उनके भी अंकों को कम किया गया, जबकि बहुत अच्छे तरीके से काम किया सारे स्टूडेंट ने, सारे स्टूडेंट ने बताया कि सर बहुत अच्छा मेरा गया था, लेकिन कई स्टूडेंट ने बताया कि सर मेरा जो अंक है काफ़ी नीचे जो है अभी आया है, जितना उम्मीद कर रहे थे उस काम को लेकर जिस टॉपिक को दिया गया था उस टॉपिक पर हमने काम किया बट उतना मार्क्स नहीं आए जैसा हमें चाहिए था, क्योंकि हमने तो काफ़ी उसको रिपीटेशन कई बार अच्छे से किए। तब प्रैक्टिकल में हम कुछ नहीं कह सकते, प्रैक्टिकल में जो है मेन वही होता है कि वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस पेस पे किस किस चीज़ों पर करता है, कभी कभी अच्छे लोग को मिल जाता है तो अच्छे तरीके से अंक देना वो सूटेबल समझते हैं, और किसी के पास थोड़ा सा मिल जाता तो अप डाउन मिल जाते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग उनकी प्रैक्टिस से होता है, तो ये पॉइंट्स होता है स्टूडेंट्स, ये चीज़ हमें समझना होता है, और ये चीज़ समझ जाते हैं तो हम रियली में हो जाता है। एंड देखो, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप पुनः जो है बीएचयू के लिए पुनः जो है अपनी प्रिपरेशन शुरू करिए, पुनः अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि जिन चीज़ में आपकी कमी है उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है। अब यूँ नहीं कि आपका जो है थ्योरी में अच्छा मार्क्स हो गया तो थ्योरी की प्रिपरेशन नहीं करनी है, थ्योरी ये करनी 100% करनी है, और साथ में आपको प्रैक्टिकल में जिन चीज़ों पर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है जिस चीज़ पर ज़्यादा दिक्कत हुई है उस पर आप काम करना है, क्योंकि कई स्टूडेंट होते हैं जो बॉडी एनाटॉमिक्स हो गया, बैकग्राउंड कलरिंग हो गया, या फिर ह्यूमन कलरिंग हो गया, उतना कॉन्फिडेंस होकर नहीं कर पाते हैं, तो ज़रूरी है कि आपको जो है उस क्षेत्र में उस फील्ड के बारे में अच्छे से जो है प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, जितनी ज़्यादा रेपुटेशन करते हैं उस काम में, जितना एडवांस तरीके से उसको समझने की कोशिश करते हैं हम, उतना है बेस्ट अपना आर्टवर्क दिखाते हैं। और जिनको लगता है कि अब मेरे पास, क्योंकि मैं काफ़ी मेरा एज निकल गया है सब, उसमें एज ही नहीं कि मेरा हो सकता है, नहीं हो सकता है,
तो हम ये कहना चाहेंगे कि आपको नॉर्मली मैं कह सकता हूँ कि प्राइवेट कॉलेज आपको ज्वाइन कर लेने चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसे बार बार औसत को रूप में आप जो है ज़्यादा सोचेंगे तो इससे समय निकलता जाएगा। तो मेरा बेस्ट जो है कि आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आप दाखिल लेने, बस इतना ये है कि अपने परफॉर्मेंस में हमेशा याद रखेंगे कि अपनी थ्योरी अपना प्रैक्टिकल हमेशा बेस्ट बनाए रखना है। यदि इन दो चीज़ों को बेस्ट बना कर रखते हैं ना, तो आप किसी जगह रहेंगे। देखो काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यदि आपका काम बेटर है ना तो कहीं भी रहो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं है। रिजल्ट नहीं ना मायने रखता, आपका काम मैटर रखता है कि आप काम कितना अच्छा करते हो। तो आशा करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं इस बात को अच्छे से समझे होंगे, और बताइएगा कि वीडियो आपके मन में और क्या सवाल है और क्या मन में जिज्ञासा है कमेंट में लिख सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।